नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज शर्मा। आप देख रहे हैं सूरज बाइक पॉइंट। आज जो है हम आपको हीरो का HF डिलक्स BS6 मॉडल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। वो मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये BS6 मॉडल का जो है फ्यूल पंप है, ठीक है। HF डिलक्स का, ये HF डिलक्स की टंकी है। टंकी देख सकते हैं, ये खोलने वाला है, ये उसका प्लेट है। ये प्लेट में जो है टोटल 6 बोल्ट लगे हुए, 8 नंबर के, दो तीन तीन ठो, ठीक है। आज जो है हम आपको ये जो है फ्यूल पंप जो है इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें ना पंप चल नहीं रहा है, ठीक है। पंप जो है हल्का किट किट करके और रह जा रहा है। तो इसको जो है चलिए एक एक करके हम अभी अलग करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या क्या और कैसा कैसा है। साइज साफ ऑफ करने पर अगर पंप चल जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कस्टमर को पूरा पंप लगाना पड़ सकता है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, मैं आपको सारा चीज़ खोल खोल करके दिखाता हूँ। उठा करके इसको ऐसा बाहर की तरफ में खींच ले, ठीक है, ऐसा बाहर आ जाएगा। फिर उसका ये इसका फिल्टर है, ये इसका पेट्रोल का फिल्टर है फ्रेंड्स। ये पेट्रोल फिल्टर आप देख सकते हैं, ये पेट्रोल फिल्टर भी बहुत ज्यादा डस्ट है। इसको जो है यहाँ से भी ऐसा लॉक के जरिए से आप निकाल सकते हैं, इधर से और इधर से, अगर दोनों साइड से आप खींचेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। यहाँ से और यहाँ से खींचने पर ये निकल जाएगा। तो हमने पहले से इसे निकाल लिया है, हल्का सा एक जगह से फंसा हुआ है करके। जिस भी चीज को निकालेंगे उसको आराम से हल्के हल्के हाथों से निकालेंगे, ज्यादा ताकत ना लगाए। देख सकते हैं ये फिल्टर है, फिल्टर की जगह में ये फिल्टर आपका इतना बड़ा फिल्टर है। फिल्टर के आसपास में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोरिंग दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रहेगा। उसके बाद फिर ये फ्रेंड्स हमारा जो है ये अलग जो है फाइबर, इसको भी हमने निकाल लिया है पंप का। ये फाइबर इस तरह से रहता है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देख ले, ये इसका पंप है फ्रेंड्स, ठीक है। पंप को ध्यान से देखिए आप लोग, पंप को अब मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो पंप का हम यहाँ से कपलर निकाल लेते हैं। HF डिलक्स मुझे लगता है ना दो तीन प्रकार का शायद कंपनी ने पंप दिया है। एक और देखा था तो वो थोड़ा अलग मॉडल था, ये वाले पंप जो है, ये वाले पंप जो है ये भी अलग मॉडल का है थोड़ा। देख सकते हैं सिर्फ वायर का क्लिप है, ठीक है। देख सकते हैं इसका जो है ये पंप है पूरा फ्रेंड्स आपका। ये जो है पंप का ये वाला सॉकेट थोड़ा निकलता नहीं है, ये जो है फिक्स रहता है पंप के साथ में, पूरी तरह से ये सील रहता है, ये जो है निकलेगा नहीं। तो हम क्या है इसको पेट्रोल वगैरह डाल उल करके पंप को अच्छी तरीके से फ्री करने का कोशिश करेंगे, अच्छे से इससे वॉश करेंगे, एयर प्रेशर वगैरह मार करके इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो है फ्यूल पंप, हमने सबको अच्छी तरीके से वॉश वगैरह करके अच्छे से सफाई कर लिया है इसको, ठीक है। अब जो है हम आपको दिखाते हैं फ्यूल पंप को कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। हमारा पंप जो है एक्चुअल में स्टार्ट हो गया, आप आवाज़ सुन सकते हैं, ध्यान से आप आवाज़ सुनेंगे, ठीक है। पंप के सामने लेके जा रहे हैं हम ऑयल, देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो है फ्यूल पंप अभी चालू हो गया। अब जो है हम टंकी में सारा पूरा सेट उट करने के बाद में हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। असेंबल करते समय भी हम थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इसे असेंबल किया जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स हम जो है आपको असेंबल के लिए बताएंगे अभी क्या क्या असेंबली में आपको करना है। आप लोग देख सकते हैं अंदर में एक तो ओरिंग लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर में आप ओरिंग देख सकते हैं, वो अंदर की तरफ में एक ओरिंग लगा हुआ है, वो ओरिंग रहेगा, वो ओरिंग रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, पंप को इस तरह से आपको अंदर में डाल देना है, ठीक है। अंदर में ऐसे करके इसको पंप को ऐसे फिट कर देना, उसके बाद आपको अंदर प्रेस करना है तो कट करके एक साउंड आएगा। उसके बाद जो है ये आपको ऊपर से इस तरह से इसको फिटिंग करना है, ठीक है। आपको पोजीशन देख करके फिट करना है, इसको किस तरह से फिट करना है देख सकते हैं। ये जो है ये नीचे की तरफ में रहेगा, ये
देख सकते हैं इसको किस तरह से करना है। ये जो है आपका ये वाला हिस्सा ये नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे करके प्रेस जब आप करेंगे, प्रेस करते समय कट करके एक तो साउंड आएगा, ठीक है। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो है ये वाला भी कवर भी ऊपर का बैठ चुका है। वायर जो यहाँ पे होल्ड कर लिया हमने दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से होल्डिंग होगी। आप देख सकते हैं ये हमारा पेट्रोल का फिल्टर है। पेट्रोल फिल्टर में भी क्या है ना, लॉक के जैसा दिया हुआ है। आपको कुछ करना नहीं है, बस धीरे धीरे करके इसको अंदर करके और हल्का सा पुश कर देंगे तो ये भी किटिक करके बैठ जाएगा लॉक जो है, ठीक है। लॉक का साउंड आएगा। उसके बाद जो है आपको ये देखना है, ये वाला को आपको इस तरफ से लगाना है, ठीक है। ऐसा जाली जो है इसके अंदर से होते हुए जाएगा पेट्रोल का फिल्टर जो है। अंदर में हल्का सा इसको मूव करके हल्का सा लगाएं, बढ़िया से इसको पोजीशन करके और बैठा दें, ठीक है। ये देख सकते हैं ये फिल्टर जो है अपने पोजीशन में पहुँच गया है। फिर उसके बाद आप इसको भी अगर दबाएंगे तो इसको भी दबाने से पुश करने पर लॉक का साउंड देखिए, कट से जो लॉक का साउंड आया ये हमारा जो है पूरी तरह से अच्छे से पंप बैठ चुका है। अब जो है हम इसे टंकी में फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो है फ्यूल पंप पूरी अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। अब जो है हम ये फ्यूल पंप को अंदर की ओर में लगाएंगे, ठीक है। ये ओरिंग का ध्यान रखें आप, ओरिंग जो है आपका बैठे रहना बढ़िया से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ओरिंग अगर नहीं बैठेगा तो आपका पेट्रोल लीक होने का चांसेस रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए मैं अब इसको जो है इस तरह से बैठा लेता हूँ। ये जो है ऊपर के तरीके से बैठता है तो हम जो है अभी पंप को अंदर डालेंगे, ठीक है। देख सकते हैं हमारा पंप जो है अंदर की तरफ में बैठ चुका है। अब हम जो है यहाँ इसको नट बोल्ट से असेंबल करेंगे। पहले सभी नट को फंसा लें, उसके बाद जाके टाइट करें। एक बार में सभी को टाइट करते हुए ना जाए। टोटल 6 बोल्ट से इसमें फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखें 6 बोल्ट को अच्छे से याद टाइट करें आपको। हमारा जो है फ्यूल पंप पूरे अच्छे तरीके से टाइट हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। अब जो है हम इसे टंकी के अंदर में लगाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो है टैंक वगैरह सारा फिटिंग हो गया है। ये अभी मैं जो है चाबी को चालू करूंगा, देख सकते हैं चेक इंजन लाइट। फिर उसके बाद मैं टंकी का साउंड भी आपको सुनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। टंकी का साउंड आप लोग ध्यान से सुने, मैं मोबाइल को टंक में जो है उसको सटा के रखता हूँ तो आपको साउंड साइज क्लियर आएगा। अभी मैं चालू कर रहा हूँ, ये टैंक में मोटर अभी चालू हो गया। उसके बाद अभी देखिए मैं अभी सेल्फ मारूंगा तो एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चेक इंजन लाइट भी इसका चला गया दोस्तों, ठीक है। और देख सकते हैं गाड़ी कितना अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गया। बट पंप अगर एक बार जाम हो जाता है तो उसके बाद कोई गारंटी नहीं है, आपका 50-50 का चांस रहेगा कि गाड़ी सही चले गए या क्या होगा, ठीक है। पंप क्या है, जाम है, अगर एक बार जाम हो गया तो वो फिर जाम ही रहेगा। बहुत कम ही किस्मत वाले का होता है जो कि पंप जो है फिर जाम होने के बाद में फिर फ्री होता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हम आपको वीडियो जो है लाते रहेंगे और भी अच्छे अच्छे चीज़ों को बताते रहेंगे। जितने चीज़ हमको पता है, हम जिस जिस चीज़ के बारे में जानते हैं, हम हर चीज़ के बारे में आपको बताते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।